हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 7 मई 2019 है और हम बात करेंगे 6 और 7 मई दो दिन के करंट अफेयर की। इस करंट अफेयर की पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट examguruji.in पर डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और कल रविवार, मतलब इससे पहले रविवार था, रविवार की वजह से सोमवार को आपको करंट अफेयर नहीं मिलता है, तो दोनों दिन का करंट अफेयर हम एक साथ लेकर आते हैं आपके लिए। तो ये था हमारा थॉट ऑफ द डे की बात करेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले कि जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। यानी कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो डेली आपको निरंतर रूप से प्रयास करने होंगे। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों की। पहला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किस मिसाइल विध्वंसक INS को सेवा मुक्ति की घोषणा की गई है? तो इसका नाम है INS रंजीत। दूसरा प्रश्न, कि हाल ही में किसे 15वें वित्त आयोग की जो सलाहकार परिषद है उसमें 12वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तीसरा प्रश्न, कि हाल ही में सुर्खियों में रहा जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस किस देश से संबंधित है? तो ये जो है अमेरिका से संबंधित है। वहीं चौथा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 10 कामोव 31 ये हेलीकॉप्टर हैं इनको खरीदने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है रूस से। वहीं पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में 13वीं शताब्दी के प्रख्यात गुरु वेदांत देसीकन की 750वीं जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया, वे किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो वे वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। वहीं छठवां प्रश्न है कि अमेरिकी वायुसेना के जनरल टॉड डी वॉलेटर्स ने किस सैन्य संगठन के प्रमुख सैन्य अधिकारी के रूप में शपथ ली है? तो ये बन गया है नाटो सैन्य संगठन के प्रमुख अधिकारी। वहीं सातवां प्रश्न है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्राचीन होमोनिन समूह के अब तक के सबसे बड़े जीवाश्म यानी जबड़े की हड्डी की खोज की है? तो यह खोज की गई है तिब्बती पठार से। और BSNL हाल ही में किस घाटी में भारत फाइबर ब्रॉडबैंड सेवा की शुरुआत की? तो यह शुरुआत की गई है कश्मीर घाटी से। और दसवां प्रश्न है कि पुस्तक महाराणा प्रताप अजय योद्धा के लेखक कौन है? इसके लेखक रीमा हुजा हैं। वहीं दसवां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली टीमों की रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत इसमें 5वें स्थान पर है। तो ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्न। बात करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि नौसेना ने स्कॉर्पियन क्लास के किस पनडुब्बी को मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड यानी कि गोदीवाड़ा जिसे कहा जाता बंदरगाह कहा जाता में लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया, इसका नाम है INS वेला, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो देश के प्रोजेक्ट 75 के तहत लॉन्च की गई है स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी। अब स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली तीन पनडुब्बियां ऑलरेडी हैं, एक का नाम है INS कलवरी, खानदेरी और करंज, तो नाम याद रखिएगा। अब ये प्रोजेक्ट 75 क्या है आपके दिमाग में आना चाहिए। तो ये जो है एक परियोजना है जिसके तहत अगली पीढ़ी यानी नेक्स्ट जनरेशन की जो स्वदेशी पनडुब्बियां होती हैं, भारत में ही निर्मित पनडुब्बियां होती हैं, उनका निर्माण किया जाता है। और इसके तहत जो है मुंबई का जो मझगांव डॉकयार्ड है वहां पर 6 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। और 3 का निर्माण जो है MDL ने फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से किया है। मझगांव डॉक लिमिटेड यानी MDL की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1934 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है दूसरा प्रश्न कि किस मंत्रालय द्वारा निवेशकों के हित को संरक्षित करने के लिए क्लास एक्शन सूट इसको लॉन्च किया गया? तो इसको जो लॉन्च किया गया कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय, यानी कि बी ऑप्शन सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो ये एक योजना लाई गई है जिसके तहत निवेशकों के जो हित हैं यानी जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके हितों की सुरक्षा की जाती है। और इसके अंतर्गत एक जैसे कानूनी मामलों का सामना जो निवेशक कर रहे हैं उनको साथ आने और एक मुकदमे में शामिल होने का मौका दिया जाता है ताकि वो सभी साथ मुकदमा लड़ सकें। अब बात करेंगे क्लास एक्शन सूट की। तो ये निवेशकों को लगता है कि किसी कंपनी के मामले का प्रबंधन या आचरण निवेशकों के हित के प्रतिकूल है, यानी कि कंपनी में जिन्होंने निवेश किया है वो जिस तरीके से चाहते हैं उस तरह से कंपनी काम नहीं कर रही है, तो ये जो है क्लास एक्शन सूट के अंतर्गत मुकदमा दायर कर सकते हैं और इसका प्रतिरक्षण सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि इसके सहयोग से अल्पसंख्यक निवेशकों को क्लास एक्शन फाइल करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी, इसमें ये प्रावधान किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका तीसरा कि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो अग्निशमन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इसका जो आयोजन किया जाता है वो 4 मई को किया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इसका जो प्रतीक है लाल और नीला रिबन है और इसमें लाल रंग जो है आग को दर्शाता है और नीला रंग जो है पानी को दर्शाता है।
और दुनिया भर में आपातकालीन सेवाओं का संकेत माना जाता है। ये दिवस क्यों मनाया जाता है कि जो अग्निशामक है और अग्निशामक यानी जो फायर फाइटर्स होते हैं वो जिस प्रकार से साधारण रूप से काम करते हैं, उनका जो साहस होता है, उनकी जो सेवा होती है, उनको धन्यवाद देने के लिए भारत में 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि भारत में कब मनाया जाता है। और 1914 में 14 अप्रैल को मुंबई बंदरगाह पर एक मालवाहक में जब अचानक आग लग गई थी तो उस पर काबू पाने की कोशिश में 66 अग्निशमन कर्मी आग की चपेट में आकर उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए थे। और उसी के बाद इसे जो भारत में राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में 14 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि चौथा प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत चीन सीमा व्यापार का वार्षिक सत्र पुनः शुरू हो गया है, और ये है सिक्किम राज्य में स्थित। तो यहाँ से दो चीज़ें आपको क्लियर पता चली हैं। पहली चीज़ तो ये कि चाइना के साथ हमने व्यापार को फिर से शुरू कर दिया है, और कहाँ से शुरू किया, तो नाथुला दर्रे से, और नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो वो सिक्किम में स्थित है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है कि सीमा व्यापार हर साल 1 मई से 30 नवंबर 5 महीने के लिए खुलता है। तो ये आप याद रखिएगा, भारत चीन युद्ध 1962 के बाद 44 साल के अंतराल के पश्चात 2006 में ये शुरू हुआ था, यानी 1962 से ये बंद था और 2006 में जाकर 44 साल में शुरू हुआ था। इस व्यापार में भारत की तरफ से जो डेयरी उत्पाद हैं, उसके अलावा बर्तन हैं, इस प्रकार की कुल 36 तरह की वस्तुएं चाइना पहुंचाई जाती हैं, जबकि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के व्यापारी कालीन, जैकेट, इस प्रकार कुल 20 प्रकार की वस्तुएं बेचने भारत आते हैं। अब नाथुला क्या है? हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है। भारत का राज्य सिक्किम, उसके दक्षिणी तिब्बत में चुंबी घाटी को ये जोड़ता है। चीन और भारत के बीच स्थापित 3 खुले व्यापार की चौकियों में 2 अन्य की बात करें तो एक शिपकिला है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, दूसरी लिपुलेख है जो कि उत्तराखंड में है, और तीसरा जो है ये नाथुला है। चलिए मैप में मैं अब आपको नाथुला लिए चलता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है, और हमारे भारत में अगर आपको नाथुला पहुंचना है तो ये देखिए यहां पर है नाथुला। ये सिक्किम आपको दिखाई दे रहा है, ये सिक्किम है, और सिक्किम में जैसे आप मूव करेंगे अंदर की तरफ तो ये है एक्चुअल में नाथुला दर्रा, राइट, ये आप देख पा रहे होंगे, ये नाथुला दर्रा। अच्छा, यहाँ पर ये समझ लीजिए कि दर्रा क्या होता है। दर्रा जो होता है एक प्राकृतिक रास्ता होता है, ये रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नाथुला झील भी यहीं पास में, ये नाथुला लेक है, राइट, और ये यहाँ से रास्ता है दो पहाड़ों के बीच से रास्ता, जो इस तरफ है, उस तरफ आप क्रॉस कर जाओगे तो चाइना पहुंच जाओगे, और इस तरफ जो है भारत स्थित है, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा ये नाथुला है, और यहां से इस तरफ चाइना यानी कि तिब्बत ये रास्ता पहुंच जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा है कि हाल ही में थाईलैंड के नए सम्राट के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो ये पद जो ग्रहण किया है ये महावज्जिलंगकॉर्न है, राइट, यानी कि बी ऑप्शन सही उत्तर है। अब इनकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो थाईलैंड के नए सम्राट, इनको राम दशम की उपाधि दी गई है, इन्होंने पदभार ग्रहण करने का काम वहां शुरू हो चुका है। चक्री राजवंश के 10वें शासक हैं, और 1782 से ये जो राजवंश है थाईलैंड में शासन कर रहा है। थाईलैंड में राजतंत्र को 1932 से सांविधानिक मान्यता प्राप्त है, यानी कि वहाँ संविधान लागू हो चुका है, और थाईलैंड में राज परिवार की आलोचना पर प्रतिबंध, यानी कि राज परिवार की आलोचना कोई भी नहीं कर सकता है। थाईलैंड की बात करें, इसकी राजधानी बैंकॉक है, प्रधानमंत्री यहाँ के प्रयुत चान ओचा है, और मुद्रा है थाई बात, और एक थाई बात के अंदर लगभग 2 इंडियन रुपीस होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उससे पहले मैं आपको थाईलैंड लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको थाईलैंड जाना है तो मूव कीजिए पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ। पूर्व में जाएंगे तो ये जो आपको येलो कलर का देश दिखाई दे रहा है ये थाईलैंड है, जिसकी राजधानी यहाँ पर देखिए बैंकॉक है। इस तरफ इसकी सीमा म्यांमार से लगती है, ऊपर इसकी सीमा लाओस से लगती है, नीचे ये जो है कंबोडिया से लग जाता है, और इस तरफ देखेंगे तो इसकी सीमा मलेशिया से लग जाती है। अब इसके बारे में कोई याद रखिएगा कि ये म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, इन सब को मिलाकर बोला जाता है इंडो चाइना। क्या बोला जाता है इनको? इंडो चाइना बोला जाता है, और ये पूरा जो क्षेत्र है इंडो चाइना पेनिनसुलर कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला छठवां प्रश्न है कि किस प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में कार्गो मिशन लॉन्च किया है। तो ये जो मिशन लॉन्च किया गया है ये स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, यानी कि सी ऑप्शन सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए कि है क्या आखिर में। तो कार्गो मिशन को फ्लोरिडा का जो कैप कैनरेबल है वहां से फाल्कन 9 एक रॉकेट है इसकी सहायता से लॉन्च किया गया है, और ड्रैगन जो है स्पेस क्राफ्ट 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंच गया, राइट।
अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की बात करें तो पृथ्वी की कक्षा में घूमती हुई एक प्रकार की प्रयोगशाला है, और इसमें क्रू मेंबर जो है जीव विज्ञान, मानवीय जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र यानी अलग अलग विषयों से संबंधित प्रयोग वहां पर करते रहते हैं। और इस प्रोजेक्ट के जो पार्टनर्स थे उनमें है नासा जो अमेरिका का है, रॉसकॉस्मॉस जो कि रूस का है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो कि यूरोपियन संघ का है, कैनेडियन अंतरिक्ष एजेंसी जो कि जापान की है, और जाक्सा जो कि कनाडा की है, और जाक्सा जो कि जापान की है। तो ये सब इसमें शामिल थे। और आपको पता होना चाहिए स्पेस एक्स किसकी कंपनी, तो इसका जवाब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि स्पेस एक्स आखिर है क्या। अब इसकी डिटेल अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। छठा सातवां प्रश्न है कि जल की कमी और छोटी मछलियों की संख्या में जो गिरावट हो रही है उसकी वजह से इनमें से कौन से पक्षी की आबादी लगातार कम होती जा रही है, तो इसका नाम है पेंटेड स्टॉर्क, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है, तो छिछला पानी जो है उसका ये भारतीय पक्षी है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है, और ये पक्षी नवंबर दिसंबर में दक्षिण पूर्व एशिया से भारत उत्तर महाद्वीप में प्रवास पर आता है। जल की कमी और जो मछलियों की संख्या में गिरावट हो रही है उसकी वजह से भी इस पक्षी की जो आबादी है यानी कि जनसंख्या है इसकी जो संख्या वो कम हो रही है। अब बात करें जहां पर यह हर साल आता है वो है कोटा राजस्थान जिले का उदयपुरिया, और इस साल 1995 से भारत में पेटेंट स्टॉक जो कॉलोनी के नाम से इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पक्षी रेगुलर यहां पर आता है। राजस्थान, राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल यहां के कल्याण सिंह हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि आठवां प्रश्न है कि CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने उन्नत भारत अभियान की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, करार किया है, तो ये जो करार किया गया है IIT कानपुर के साथ किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। इसकी डिटेल लिख लीजिए क्या है कि उन्नत भारत अभियान के तहत IIT कानपुर ने उत्तर प्रदेश के 15 जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनको एक साथ जोड़ा गया है, और ये संस्थान क्या करेंगे, जो ग्राम स्तर के उद्यमी हैं उनको प्रशिक्षित यानी कि ट्रेनिंग देंगे, और ये जो है ग्राम विकास योजना के हिस्से के रूप में CSC कॉमन सर्विस सेंटर वहां पर चलाएंगे। उन्नत भारत अभियान क्या है, इसकी शुरुआत हुई थी 11 नवंबर 2014 को, और जो मानव संसाधन मंत्रालय है जिसके मंत्री वर्तमान में प्रकाश जावड़ेकर जी हैं उसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनके बीच जो विकास का एजेंडा है उससे संबंधित जो विकास के काम सरकार करती है उनके बीच में किस प्रकार से तालमेल बिठाया जाए, और जो संस्थाएं हैं उनकी क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए ताकि जो राष्ट्र की जरूरी आवश्यकताएं हैं खासकर जो ग्रामीणों के लिए जो जरूरी आवश्यकता है उस प्रकार की उनको स्किल ट्रेनिंग और इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि नवा प्रश्न है कि भारत अगस्त 2019 में आयोजित होने वाले ग्रुप ऑफ 7 जो औद्योगिक देशों का जिसे G7 कहा जाता है उसमें शामिल होगा, और इस बैठक ये बैठक का आयोजन कहाँ की जाएगी, तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो फ्रांस में किया जा रहा है, तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो बैठक में शामिल होंगे भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चिली और दक्षिण अफ्रीका भी, यानी भारत के अलावा ये 3 देश और इसमें शामिल होंगे इस बैठक में। अब G7 क्या है मैं उसमें बता देता हूँ, ये दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाला देशों का एक मंच है जिसमें आपका शामिल है अमेरिका, उसके बाद आप देखिए ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान, जर्मनी, ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका कोई मुख्यालय नहीं है। 1975 में फ्रांस G6 में शामिल हुआ था, पहले इसको G6 के नाम से जाना जाता था, जब फ्रांस इसमें शामिल हुआ तो ये G7 हो गया। 1976 में कनाडा, और 1998 में इसमें रूस शामिल हुआ, राइट। तो फ्रांस जब शामिल हुआ, सॉरी उससे पहले G5 कहा था, फ्रांस के बाद G6 हुआ ये, और उसके बाद इसमें शामिल हुए कनाडा और रूस, राइट। तो रूस जब इसमें शामिल हो गया तो G8 ये बन गया था, लेकिन फाइनली जब क्रीमिया पर रूस ने अधिकार कर लिया तो उसके बाद रूस को इससे बाहर कर दिया गया है, राइट। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की जो कि है हमारा 10वां और अंतिम प्रश्न कि किस कंपनी द्वारा अपनी स्वयं की ब्लॉकचेन आधारित सेवा यूजर ब्लॉकचेन सर्विस की शुरुआत की गई है, और इसकी शुरुआत की गई है माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल लिख लीजिए क्या है कि यूजर ब्लॉकचेन सर्विस ये क्रिप्टो करेंसी लेन देन का समर्थन करने वाला मतलब ऐसी तकनीक है जिसमें क्रिप्टो करेंसी को चलाया जाता है, राइट। तो ये समर्थन करने के बजाय अपने क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म पर उद्योगों को उनका खुद का एप्लीकेशन विकसित करने की सुविधा देगी, और ब्लॉकचेन तकनीक में 3 अलग अलग तकनीकों का जो है समायोजन किया जाता है, इनको मिलाया जाता है। इसमें शामिल है इंटरनेट, उसके अलावा पर्सनल की यानी कि निजी कुंजी, और क्रिप्टोग्राफी यानी कि जो जानकारी है उसको किस प्रकार से गुप्त रखा जाए और प्रोटोकॉल पर जो है नियंत्रण किया जाए ताकि वो जानकारी किसी तक पहुंचे ना। ब्लॉकचेन तकनीक है जिसमें बिटकॉइन और अन्य प्रकार की जो क्रिप्टोकरेंसीज हैं उनका संचालन किया जाता है, और IBM, अमेज़न वेब सर्विसेज पहले से ही ब्लॉकचेन पर आधारित सेवाएं शुरू कर चुकी हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारी वेबसाइट है exam guruji.in, यहाँ पर जाएं,
पीडीएफ डाउनलोड करें और पीडीएफ को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलें। साथ में इस वीडियो की लिंक भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे इस वीडियो को बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।